यारा वो कुत्ता खड़ा है सही, वो क्रॉस नहीं कर सकता। सही गाल, ये गुलाब, मैं गुलाब के ऊपर। हाँ सही गाल है, बंदा खड़े है। सही गाल है, कैसे मैं सैर कर रहा हूँ गुलाब की, कैसे बिल्कुल मजा ले रहा हूँ गुलाब का। बिल्कुल ही मैं यारा कुत्ता जानवर, इवन सांप भी ऐसे कतराएगा। हाँ नहीं गुजर सकता इधर से, नहीं गुजराएगा, वो जाएगा जाएगा जाएगा, जाएगा जहाँ से उसे रास्ता मिलेगा। सही है, इंसान को अल्लाह ताला ने कितनी ताकत दी है, पावर दी है, और इस पे कांटे भी हैं। कांटे वही तो है, वो जानवर नहीं आ सकता, नहीं आ सकते, ये कांटों की वजह से नहीं आ सकता। गुलाब का जंगली, ये जंगली गुलाब है। सही, कितने इधर इधर दिखाएं, ये कांटे दिखाएं, बहुत ज्यादा कांटे हैं जी, ये देखें ये। अगर ये इधर सांप भी आ जाए, सांप वो भी फतेक फतेक कर इधर मर जाए, मर जाएगा। सही बात है, तो इंसान को देखें अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, कितनी ताकत दी है। हम गुलाब पर सैर कर रहे हैं, गुलाब के ऊपर चढ़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं, नंबरदार रहे हैं, नंबरदार साहब गुलाब, गुलाब का उसकी सेटिंग कर रहे हैं। कोई देखे ये, अगर चांद पर इंसान गया वो भी हम जैसा है। सही बात है, उसका खुदा भी हम जैसा है, जैसा आप लोगों का है, वो एक ही खुदा है। ये गुलाब पर हम चढ़े हुए हैं तो हमारा खुदा भी एक है, एक है। आपका खुदा भी एक, एक है, है। सही बात है, तो फिर आप लोगों को चाहिए ऐसे सिस्टम बनाए। ये देखें कैसा सब्जा बन जाएगा, कैसा फूल आ जाएगा इस पर। ये नींबू के साथ साथ नींबू भी क्लियर हो गए, बाग बाग भी क्लियर हो गया। सही बात, ये कितना सुकून है, कितना मजा है कांटों में फिरना। यही बात कहता हूँ डिग्री वालों को, डिग्री तो ले लेते हैं बेचारे, लेकिन फिर वो कहते हैं हम एसी में बैठे रहे। इन हुकूमतों को चाहिए ऐसे लोगों को यहाँ पर डालें 4 साल के लिए। अच्छा, 4 साल के लिए पढ़ने के बाद कभी भी। डिग्री इंसान को इंसान नहीं बनाती, वो हैवान बनाती है। अच्छा, अगर वो उनको 4 साल के लिए डिग्री हासिल करने के लिए इस टफ टाइम टफ जगहों पर गुजर भरें, तो वो इंसान बन के उनको मालूम होगा इंसानियत क्या चीज़ है। सही, हासिल करने के बाद क्या वो इस सिस्टम में फिट हो सकते हैं, ऐसे गुलाब पर कांटों पर जैसे। नहीं, कांटों पर नहीं चल सकते, सिर्फ नंबरदार का काम है कांटों पे चलना, कांटे ही कांटे हैं बिल्कुल। गुलाब के आगे दिखाएं थोड़ा सा, चले ये देखें जी, सुनो सी, नंबरदार साहब दे कट्ठे हैं ते वदन कांटे दे उत्ते कंडे दे उत्ते चढ़े वदन गुलाब दे कंडे हैं। ये तो नज़र भी आने पे होसन के कितना ढेर कंडे हैं, सारे कंडे नज़र आने पे होसन तो नंबरदार साहब उतें उत्ते चढ़े वदन, तो नज़र भी आने पे होसन टोटली। ये जी बाड़ है ना सी, नंबरदार साहब ने खुद नज़र आनी पे होती, कितना तकरीबन 300-350 फुट लंबी बाड़ है, उकू संभा दीते ने ई पासो एक तो थोड़ी जी हवा दी मतलब है रुकावट सही खड़ी आई वाले कुछ पुराना थी गया गुलाब जैंदी वजह को लो कटिंग लाजमी है जैंदी तराश खराश करें दे पेन तराश लाजमी है हर इस ई टाइम मौसम बरसात तेज जी जिवें असा कटिंग करवे ने है इन दरख्त नहीं कटेंगे लाजमी है लाजमी है जिवें हर हफ्ते असा हर हफ्ते या दाड़ी मारा 15 दिन मारा बाद वाले दी दाड़ी दी कटिंग करवे ने ना इवें इन दरख्त दी कटिंग लाजमी है कटिंग ने दी अहम है हिफाजत करना पे बल जितने इतों लोग गुजर सन साफिर गुजर सन सही वो कितने गुलाबे ने फूले को महसूस थी सन महसूस थी सन बिल्कुल थी सन सर क्योंकि उन्हें को इंदी खुशबू इन्हें दा प्यार इन्हें दा जितना भी जबरदस्त किस्म दे फूल निकल दें अगो मौसम में फूले दा ता वो भी बड़े एक सारे जिहड़ी रोड है पे सारे अपना ये घर दो वेंदे सारे घर दो रोड जड़ा वेंदे बाईपास तक वेंदे बाईपास तक वेंदे। अच्छा ए जड़ा है ना सी इंदे नाल इतना खूबसूरत फूल लगे हो मन तवल पीछे सारे बादशाही को हट तक है इवें तक कहीं बादशाह हट के मन साहब देखो हर पासे पानी सेम ही सेम है दिखाओ सेम जी सेम है बिल्कुल हर पासे ये देखो जी हर पासे सेम है अगर सेम है असा एक बाग कामयाब कर खड़ा है
जी हाँ तुसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं बिल्कुल, हर बंदा कर सकते, सेम है हर पास, पानी भी चाड़े उन पास लिख लेते हैं कि नंबरदार। खूबसूरत आईडिया रे, कचनाल दा बाग है सामने, कचनाल दा बाग, ये कचनार खड़ी है सर, ये अजवा खजूर खड़ी है, नाल अनार है, अनार है, अच्छा नाल लीमू है, लीमू है नाल अंबन। वाह नंबरदार साहब, तुसा जमा के रख दीते को है, क्या बात है, बाड़ को सुमार इतने उत्ते रख दीते ने लकड़ी, ये तो नजर आ जाए पे लकड़ी ने दबाव रख सन, दो चार हमारा लकड़ी पिया रहा है वैसे ने, ये थोड़ा डाउन थी आसी, डाउन दे बाद वाली ने थी सी कटिंग मालिक हटा गिनसो, अच्छा आज लकड़ियां हटा गिनसो, लकड़ियां हटा गिनसन सही, खुद ब खुद ही थई नया रोदा दे सी, ठीक है, नवे सिस्टम जा सी इने दे, देखो ना सारे कटिंग करे सु रोदा एक लेसन नाल, ए रोदा ना होण नाल साकु ए भी मफाद थी वे सारी मिट्टी बात सही, सेम जो है ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਲਾਇਆ ਬੜਾ ਡੂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਆਪ ਬਣੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹਮਸਾਇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇਵੇ, ਕੌਣ ਸ਼ੌਰ ਦੇਵੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੌਰ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭਜਾਏ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਠਾਏ, ਸਹੀ ਕੌਮ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਹੀ ਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਸ਼ੋਰ ਇਹੋ ਦਿੰਦੇ ਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਖਾਓ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਖਾ ਵਜੋ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੁੱਟੋ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਤਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਹੀ, ਫਲਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਫਲਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਤਫਾਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਲਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ, ਡਾਕਟਰੋਂ ਕੀ ਨਸਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਡਾਕਟਰੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਦਵਿਆਤ ਕੀ ਤਰਸੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਰਸੀਲ ਉਸਕਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਉਹਨੇ ਯਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਓ, ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਮਰੀਜ਼ੋਂ ਕੀ ਤਾਦਾਦ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਏ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਸ ਮੇਂ ਲੜਤੇ ਚਲਤੇ ਰਹੇਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ, ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੌਰ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੋਚੇਗਾ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾਓਂ ਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਮਰੀਜ਼ ਐਸੇ ਜਾ ਕਰ ਬੈਠਤਾ ਹੈ ਜੈਸੇ 302 ਕਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਕਿਸੀ ਸੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇ ਟਾਈਮ ਲੇਤਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੈਠਾ 4000 ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੈਸੇ ਦੇਖਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੀ ਕਬ ਆਏਗੀ, ਜੈਸੇ ਹਮ ये 302 वाला मुल्ज़िम जाता है तारीख पर, वो देखता रहता है मेरी बारी कब आएगी, कब आएगी, सही बात, उल्टा चलो मरीज का तो कसूर हुआ, उसने अपनी केयर नहीं की, सही, उसने मर्द खरीद किया, जिस जो उसके साथ लवाहकीन होते हैं, जो लोग होते हैं उनका क्या बेचारे कसूर, कसूर क्या, पाँच पाँच छः छः घंटे बैठे हैं वो, कैसी वो मकसद यही होते हैं ये लोग भी बीमार हों ताकि हमारी आमदनी में इजाफा हो, सही बात है, ये भी इन हमारे इन हुक्मरानों ने इन सियासतदानों ने ये सोच दी है, हम इस मुल्क को जब ये सोच दिया है खुदारा या ये लोग बचेंगे नहीं, ये चक्कर में हाँ सबका नुकसान हो रहा है, जैसे हसराकी की मिसाल है, सुके नाल सिन्ना सड़ सड़ वेंदे सड़ गए सर, हां ई ना सोचन भाई असा ने कोल पैसे छिक्की वदे या सा बचवेसु, असा बचवेसु, ई लेट जरूर ही बस, सही गाल है, क्या जरूरत है, तू सा बीमारी को जड़ कडो, जिमे ओ पोलियो वाला वदे दी वैक्सीन करना वदे, ऊ बीमारी जड़ कडी, बीमारी को खत्म की, हां तू कैंसर भी क्यों थी दे, अगर यो जे बियांडे में तू कैंसर, सही गाल, यो जे सिस्टम बनावन क्यों बीमारियां, यो जे जई ते हस्पताल होवन क्यों आ, मरीज अपना सैर ही करे वदा, एंजॉय भी करे वदा, टाइम ते आके दिखा दे, सही गल, मरीज क्यों थी वे, सही गल, जेड़ा उंदे नाल लवा है के या उंदे नाल जेड़ा बंदा आया वदे उस तू बीमार, मकसद ये आ खानदा तुसा जाड़ को देखो बीमारी तशखीस क्या है, तुसा आदे वे जेड़ा बीमार थी क्या वे उंगू तशखीस बीमारी कर दी,
बीमारी को ना कटे सो जाड़ कितो शुरू थी नहीं बीमारी खत्म कितो थी नहीं पे कितो जेडी मार जानी पे बस फर्क खत्म खत्म करो सही गाल है ई क्या अच्छा बीमारी को वधाई पे अस्पताल वधाई पे डॉक्टर वधाई पे बंदे आदन बीमार आ में नाम बीमार सारा सर एक बिजनेस है ए पाकिस्तान दे विच बहुत बड़ा बिजनेस है बहुत बड़ा जी डंगरे दा इवे करन जी जानवर नाल शोध सर इवे पौजे ना करन पौजे दा इवे थी ना मलिक साहब आज कल तुम्हारे वाले साहब को पूछ के नो वो सारे हम मारे असा जो धागा पहने हाथ जा या पूतरा खजी दा बीमारी है बुखार है हैं बुखार खत्म थी में ना क्या ये दसो पूतरा खत्म कर दा ताकत खड़ी पूतरे की ताकत खड़ी बिल्कुल ना सर ये अपना सिस्टम ना अपने कुवत मुदाफिया मुदाफिया ताई सही गाल जी जा ये बिल्कुल लोग शोहरत वास्ते दौलत वास्ते शोहरत ते दौलत वास्ते सब कुछ करण को तैयार हैं सही गाल इंसानियत वास्ते कोई तैयार गा नहीं सही गाल तैयार गा नहीं ई मुल्क च इयो वियन में ना पे शोहरत होवे बल्ले नारे होवन नारे होवन इंसानियत ना दी कोई शय का नहीं ना इत्ता इंसान है सारे हैवान जेड़े इंसान है उन्हें शोदे को नार लाई रलाई वदन इंसान ही रले वदन सर ट्रेंड चल चुके सारे पाकिस्तान दे विच के बीमार होवन अच्छा बिने मुल्क दे विच शुगर दे विच कंट्रोल है शुगर दे बीमारियां अद्वियात ऐसा है या शुगर मुंडो थीवण नहीं रहंदे उन्हें दी एनवायरमेंट ऐसी है उन्हें दी आबो हवा ऐसी है उन्हें दी जिंदगी गुजारन दा तरीका कार ऐसा है मैं अपनी मिसाल सारे को लेना 400 तो शुगर 200 तो परेशान दिल मैं डॉक्टर को मैं दवाई नहीं घेनी तुम्हारा सारा मुकाबला है मुकाबला है सही आज देखो मैं को 10 किलो कम से कम 5-7 किलो 4 किलो 4-5 किलो अंब खाने हैं किलो 2 किलो पिंड खाने हैं मक्खन खाने हैं सब कुछ नहीं हूँ शुगर थी शुगर इंक्रीज नहीं थी उतनी खड़ी है 70 तक मैं कोई रिपोर्ट टप दी नहीं यार रिपोर्ट दिखाई ने सर 70 तक शुगर खड़ी है 70 जो जेड़े वेले चेक करा मैं 70 तक खड़ी है भामे असर 10 किलो यो पिंड खा मनो मक्खन खाने सब से खाने सब से ये सब असर क्यों बदलाओगे जब बदलाओगे ना इन डॉक्टर को जान जड़ाओ इन सिस्टम फॉलो करो एज सिस्टम बढ़ाओ सही गाल है ई पास आओ बागबानी वाले पास आओ कचनाल दी सब्जी खाओ कचनाल अच्छा कचनार भी है अच्छा सब्जी सुबह दे तकरीबन नंबरदार साहब तकरीबन 4 घंटे थी गए संतो को 4 घंटे 4 बजे मैं उठान धाता नूता नमाज पढ़िए जी नमाज पढ़ के मैं वाक कीती है वाक दे बाद यूं ही क्या बात 4 घंटे थी गए नंबरदार साहब काम करन दे वदन कम करो कम करण नाल सेहत बन दी अपने आप को एक्टिव रखो सेहत बन दी ਇਵੇਂ ਸੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦੀ ਕਿ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈਰ ਆਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਊਨ ਥੀ ਵੇ ਕਰੇ ਥੀ ਸਕਦੀ ਡਾਊਨ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਥੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਲੋ ਥੀ ਕਰੇ ਨਾ ਥੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੋ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਬੀ ਅਪਣਾਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਗਿਨੋ ਕੋਈ ਮਸ਼ਗਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਦੇਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਟ ਥੀ ਵੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਬਾੜ ਵੀ ਦੇਖ ਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੇਂਦੀ ਪਈ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਬਾੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦਾ ਪਰ ਵਧਾਈ ਡੋ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੇ ਨਾਗ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੀ ਬਾੜ ਬਣਾਈ ਪੈਣ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਤੇ ਬਾੜ ਵੇਂਦੀ ਪਈ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਉਕੜੀ ਤਨੇ ਸੁਮਾ ਹੁਣ ਕਰੇ ਸਨ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਲਾ ਥੀ ਸੀ ਡਬਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਥੀ ਸੀ ਵਲਾ ਫੈਲ ਵੇ ਸੀ ਵਲਾ ਫੈਲ ਸੀ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਬਾੜ ਵੇ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਬਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੀਮੂ ਹੈ ਇਹ ਲੀਮੂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਲੈ ਲਹਾਂਦੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਜਾਮਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਬਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣੀ ਬਾੜ ਅਤੇ ਅੰਬੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਨਾ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਔਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਆਗਾਹੀ ਦੇਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਥੀਵੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹੀਂ ਕੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹੀਂ ਕੋ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹੀਂ ਕੋ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹੀਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਨਾ ਥੀਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਨ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਅਜਮਲ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਦੋਹੀਂ ਸਾਗੂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।